गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के पीरियड में एक बार वेलकम करती हूँ तुम्हारा फिर से। चैप्टर 9 वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू हैव सीन द वीडियोज ऑफ चैप्टर 9। इफ यू हैव नॉट सीन देन यू हैव टू गो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6 वीडियोज। ये 7th वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज, और जो स्ट्रक्चर है जितने कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एंड रेस्ट स्ट्रक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर अभी बचे हुए हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स आज कंप्लीट हो जाएंगे। अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है सो दैट यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द बोर्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर बेटा जो हम करने वाले हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, दैट इज एन आई सी एल 6 एंड 2 4 negative. ठीक है, अब ये 2 और 4 negative कैसे लगाया जाता है ये अभी तुम्हें नहीं आएगा लगाना, क्योंकि जब तक पूरे स्ट्रक्चर इनके नहीं पढ़े हुए होंगे तो तब तक नहीं पता चलेगा। अभी सिर्फ ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर लिखा है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, आयन लिखा हुआ है, उस आयन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले नाम, क्योंकि नेम लिखना मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, सो बिफोर दैट वी आर गोइंग फॉर द नेम एज वेल। देखो एन आई सी एल 6 हेक्सा क्लोराइडो निकिले, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज आयन हो या पहले कोई पॉजिटिव आयन लगा हुआ हो उसकी, मैंने दो कंडीशन तुम्हें बताई थी कि जहां पर मेटल के नाम के साथ 8 लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सा क्लोराइडो निकिले और ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का, देखो 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का कितना हो जाएगा +2, जो हमें ब्रैकेट में बताना होगा। ये नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इसी तरह नाम लिखना, इससे पहले मैंने बताया था एक वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी बताया था, वो तो मैं वापस निकाल के बताऊंगी कि कैसे निकाले ऑक्सीडेशन नंबर और नाम कैसे लिखा। नाम हमने कैसे लिखा, लिगेंड को देखा सबसे पहले, लिगेंड किसको बोलते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है, इस ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जो भी कुछ होता है वो लिगेंड ही होता है, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। अगर इस मेटल से पहले कुछ हमें नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिगेंड से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सा क्लोराइडो निकिले सेकेंड, रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, अब सेकेंड मैंने कैसे निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहां से एक बार देखो स्ट्रक्चर पे घर जाएगा, एन आई के लिए हमने लिख लिया एक्स प्लस माइनस 1 × 6, क्योंकि क्लोरीन का मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था दैट सी एल हैज माइनस 1 चार्ज, तो माइनस 1 × 6 इक्वल्स टू -4 एक्स, ये अपना ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू -4, एक्स इक्वल्स टू -4 प्लस 6, एक्स इक्वल्स टू +2, और ये प्लस 2 को ही मैंने यहाँ रोमन में रखा हुआ, बात आई समझ में। ठीक है, तो तुम्हें ये आयन दिया हुआ होगा, यहाँ पर तुम्हें अपने आप फ्रेम नहीं करना होगा कि जैसे मैंने अपने आप फ्रेम किया कि कहाँ नेगेटिव लगाना है कितना नेगेटिव लगाना है, वो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें दिया हुआ होगा, केवल इसका स्ट्रक्चर बताना होगा। अब स्ट्रक्चर बताने के लिए सबसे पहले हमें 11th वाले स्टेप पे जाना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकिल का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स निकिल का कॉम्प्लेक्स है, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, निकिल का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 28, निकिल का एटॉमिक नंबर 28। ठीक है, मैं पूरा सीक्वेंस में लिख रही हूँ उसका 28, कैसे 28 तक जाएंगे, देखो 1s2 लिखना अपने आप स्टार्ट करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2. अब 3d को मैंने खाली क्यों छोड़ा, क्योंकि 3d में ही सारा कंफ्यूजन छुपा हुआ है। देखो यहां तक अपने 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, रेस्ट 8 इलेक्ट्रॉन विल गो इन डी ऑर्बिट, ये 8 इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे। इसको भेजने का रूल क्या है,
कि जो 20 के बाद वाले एटॉमिक नंबर वो 20 के 21 से स्टार्ट करके डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, 21 से 30 तक डी की पहली सीरीज चलती है, तो उसमें से जो भी उसका एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का उसमें से 20 माइनस कर दो, 28 में से 20 माइनस किया हमारे पास 8 आया, उस 8 को हमें 3D में रखना होगा जो भी आया, जैसे अभी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आया कोबाल्ट से 27 होता है, हम क्या करेंगे 27 माइनस 20 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डी में रखेंगे, बाकी सबको पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो कंफिगरेशन है यहाँ तक का ये हमारे कंसर्न का नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो तुम्हें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले स्टेप लिख के बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 1s2 से स्टार्ट होता है, इसे लिख के बताया, अदरवाइज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें केवल इतना पार्ट लिखना है, इससे हमारा कंसर्न एस में कितने इलेक्ट्रॉन है डी में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारा मतलब इससे ये आ जाना चाहिए, ठीक है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जितने एटॉमिक नंबर में से 20 माइनस करने पे आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, एस में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जितने भी ग्रुप को प्लस पढ़ोगे उनको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये निकल के क्या है ग्राउंड स्टेट कंफ्यूजन जी एस ग्राउंड स्टेट, अब निकल के एक्साइटेड स्टेट पर Ni+2 क्योंकि हमने नाम में लिखा है कि इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया ये भी एक बार समझ लेते हैं। देखो सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल यहाँ s है और हम अब तक क्या पढ़ते रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही जाता है, तो आउटर मोस्ट से ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो उसका मतलब 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट, 4s के ऊपर 0 आ जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गए, ये बात क्लियर हुई समझ में आए, तो हमें कंफिगरेशन ये तो लिखना ही नहीं है, यहाँ तो गैप दे दो ये लिखना है 3D8 हमारे पास बचा हुआ है, 4s में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब मैं एक चीज और ऐड कर रही हूँ 4p में भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 4s बनते ही 4p बन जाती है, 4s को फॉलो करती है 4p ऑर्बिटल, तो जितना नंबर s का होता है उतना नंबर p का होता है, 4p ऑर्बिटल बन गई, 4p ऑर्बिटल बनी हुई थी पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो इसलिए हमने नहीं भेजे थे, यहाँ पे मैंने मुझे लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, बिकॉज आई रिक्वायर पी ऑर्बिटल फॉर फिलिंग द सीएल, सीएल मुझे कितने लगाने हैं टोटल 6 सीएल मुझे अरेंज करने हैं, उन 6 सीएल को अरेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर पी की जरूरत पड़ेगी, ये बात समझ में आए कि मुझे पी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होता है, बाई मिस्टेक मैंने 6 लिख दिया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो यहाँ पर अपना 4 आएगा और यहाँ पर अपना 2 निकलेगा, ठीक है, ये मिस्टेक मेरी है क्योंकि निकल का 4 होता है तो मैंने 6 लिख दिया गलती से, कोबाल्ट का 6 होता है, आयरन का 6 होता है, हम यहाँ तक पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है, सब करेक्ट है, बस एक केवल फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती है। NiCl4 पर हम पहुंचे, लगा दिए कितने Cl है, अब कितने Cl हम अरेंज करने हैं, कितने Cl को अकोमोडेशन देना है, कितने टोटल 4, ये 4 लिखे हुए क्या दे रहे हैं, इन 4 को यहाँ एकोमोडेट करने से पहले इनकी एक्चुअल कंडीशन देख लेते हैं, क्या कंडीशन है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन पर जाए, देखो ये डी का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, डी में तुम्हें मालूम है कि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 5 कंपार्टमेंट बना देंगे इसे 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, एस में एक ही होता है कंपार्टमेंट, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पी में 3 होते हैं तो इसके 3 बनाएंगे अपनी मर्जी से, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमने इसको ओरिजिनल स्टेट दे दी। अब हमारे पास एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फिल करने की, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो नो रिक्वायरमेंट टू फिल द इलेक्ट्रॉन, अपने साइड से कुछ नहीं करना होगा, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, इन 8 को प्लेस कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमने फिल किया है, ठीक है। अब Cl एक वीक लिगेंड, पहले मैंने इससे पहले NiCN4 का स्ट्रक्चर बताया, NiCN4 के स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि यहाँ से इसकी पेयरिंग हो जाती है और एक D की ऑर्बिटल खाली हो जाती है CN को लगाने के लिए, Cl में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज Cl इज अ वीक लिगेंड, देखो ये जितने भी अपने हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
अपने पीरियोडिक टेबल में नंबर वन पे स्टैंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में, ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करने में नंबर वन पे स्टैंड करते हैं, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आते हैं तब ये सबसे पीछे चले जाते हैं, सबसे लास्ट में क्लोरीन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और क्लोरीन उससे पहले होता है। तो इसका मतलब ये कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी का देने की पोजिशन में नहीं है जिससे पेयरिंग हो पाए, तो कोई पेयरिंग नहीं होगा, ये डी एज सच रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ फिल किए जा सकते हैं, देखो अब Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, क्योंकि लिगेंड की नेचर ही है, वो तभी लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो Cl क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एस और पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, तो एस और पी ऑर्बिटल कंबाइन करके वन टू थ्री फोर, इस ऑर्बिटल का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 हाइब्रिड क्यों हुई, एक s और तीन p ने कंबाइन किया, टोटल चार बन गए इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें क्या जाने वाला है अपना, cl और cl। एरो के बारे में मैंने पहले स्ट्रक्चर में बताया था NaCl4 में, एक बार वापस मैं बता देती हूँ कि अगर हम अपवर्ड एरो लगा रहे हैं, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है, ये ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये बॉन्ड क्या इंडिकेट करता है, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको बॉन्ड बनाने, तो ये एरो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, Cl, 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 और नेगेटिव स्टेट में हमने माना है Cl, Cl नेगेटिव ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाना, ये एरो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। डी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको एज सच बना देते हैं, डी को इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही रखेंगे जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे, कोई चेंज नहीं है, बात समझ में आए, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ अपना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, देखो ये शेप आ गई, निकल Cl 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 S, ये एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा, Cl 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 Cl, और पूरे ब्रैकेट के बाद इसका चार्ज बता देते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज अनस्टेबल स्पीसीज कंसीडर की जाएगी। तो जो भी दिया हुआ चार्ज है पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, बनाने के बाद फिर बता दो, शेप का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब एक चीज और मैंने पहले कॉम्प्लेक्स की तुम्हें बताई थी, इसमें भी बता दे, देखो अगर यहाँ पर डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट कई बार नहीं भी करती, जैसे यहाँ नहीं किया पार्टिसिपेट, डी ऑर्बिटल की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं या अनपेयर है, देखो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो हम कॉम्प्लेक्स के साथ क्या लिखेंगे, इट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब इट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर चला जाएगा या ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जैसे NaCN4 में पेयर्ड थे तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक, ये बात क्लियर हुई, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया। अब एक स्ट्रक्चर अपना ऑक्टाहेड्रल पढ़ लेते हैं, एक हमने पढ़ा था स्क्वायर प्लेनर, एक हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना ऑक्टाहेड्रल पढ़ लेते हैं। किसका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, CO इस तरह बनाते हैं, CO NH3 6 N2 positive, ठीक है। पहले तो इसका नाम लिखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें दिया हुआ है लेकिन इसका नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, देखो इससे पहले ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेटल को छोड़ के जो बाकी का पार्ट है, इसको लिखेंगे हेक्सा अमाइन, ठीक है, कोबाल्ट, 8 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज नहीं है, हेक्सा अमाइन CONH3
plus. Okay. Tri positive. Tri positive oxidation number जो ऊपर indicate किया oxidation number. Hexaamine, cobalt, third ion. ये इसका नाम लिखा जाएगा. ठीक है. Hexaamine और amine लिखने के लिए A double M लिखना पड़ता है. Amine, cobalt, third और साथ में आयन ओ कोबाल्ट थर्ड आयन. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये बात समझ में आई. अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो भी ऊपर चार्ज दिया हुआ है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर. हाउ इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे NH3 लगा हुआ है इसके साथ और NH3 का अपना जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. तो जो भी चार्ज होगा वो सीधे सीधे इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ जाएगा. तो यहाँ पे थर्ड मैंने लिख दिया उसमें, तो थर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले. ठीक है. अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मैंने तुम्हें बताया था, निकल से पहला एलिमेंट है डी ऑर्बिटल में, 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है. कोबाल्ट के बाद निकल का टर्न आता है, तो इट इज 27. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये लास्ट वाला लिख दूं, लास्ट वाला लिख दूं, उससे पहले वाला सेम है, बस ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा. ठीक है. लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में लिख रहे हैं उसका वैलेंस ऑर्बिटल का 3d7 4s2 और 4p अभी नहीं बनाएंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा अपने पास तब 4p को इंडिकेट करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी. ये कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट का कंफिगरेशन. ठीक है. ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट जब तक इसने कंपाउंड नहीं बनाया था. अब इसके बाद आते हैं एक्साइटेड स्टेट CO 3 पॉजिटिव आयन. इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 3d7 कोई चेंज नहीं, 4s0. ठीक है. अब 4s0 जाने के बाद 2 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आया. अगर 3 ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड करना है तो हमें डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तो डी में यहाँ 6 आ जाएगा, 3d6. ये बात समझ में आएगा, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकालने थे, पहले एस में से गए और इलेक्ट्रॉन है नहीं हमारे पास, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी से जाएगा, लेकिन डी से बाद में निकालने हैं इलेक्ट्रॉन. जो बच्चे मिस्टेक करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं वो यही करते हैं, वो डी में से पहले निकालते हैं, तो डी में से नहीं निकालना, क्योंकि डी के बाद एस का नंबर आ रहा है उसमें से पहले निकालना. निकाल लिया, हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया. अब इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बना लिया, पहले डी की ऑर्बिटल पिक्चर, 5 subshells 3 4 and 5, उसके बाद S और अब यहाँ पर 4p भी आ जाएगी विद 0 इलेक्ट्रॉन. 4p समटाइम्स इसकी जरूरत पड़ सकती है. 1 2 and 3. ये बात समझ में आई, बिल्कुल इसी के जैसा जैसा यहाँ था उसी के जैसा स्ट्रक्चर इसका आ रहा है. डी में अपने 6 इलेक्ट्रॉन भेज दो पहले, 1 2 3 4 5 and 6. S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं. अब ध्यान देते हैं अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ कि हमें एक्चुअली कितनी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है. देखो यहाँ पे 6 NH3 मीन्स 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 6 बिल्कुल खाली ऑर्बिटल चाहिए जिसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे पाए, क्योंकि 6 नाइट्रोजन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो 6 में से 4 तो हमारे पास हैं, 2 की और जरूरत. अब 2 की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है, कि या तो इनकी पेयरिंग हो जाए, जैसे ये इसमें चला जाए ये इसमें चला जाए, दो ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे. ठीक है. या तो इनकी पेयरिंग हो जाए, और या फिर बाद में जो 4d है, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर 4d का है, बाद में जो 4d ऑर्बिटल है वो 4d ऑर्बिटल हम यूटिलाइज करेंगे. अब ये यूटिलाइज करना 4d ऑर्बिटल का या 3d ऑर्बिटल का, ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर के ऊपर. ठीक है. जैसे मैंने Cl को तुम्हें बताया था कि इट इज अ वीक लिगेंड, क्योंकि अभी इस टॉपिक के बाद एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी स्ट्रेंथ को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है. तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया जाता है, CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया जाता है. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया अमोनिया. स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये इतनी एनर्जी तो देगा ही कि अपने आप यहाँ जुड़ जाए, उससे एक्स्ट्रा एनर्जी भी देगा कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाए. बात समझ में आई. पेयरिंग के बराबर भी एनर्जी दे देगा, मतलब जो हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा कि उसमें इनकी पेयरिंग हो जाएगी. ये पेयरिंग मैं ऐसे इंडिकेट कर देती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ. अब अपना एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या आया डी का, 3 ऑर्बिटल्स
कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे, दो ऑर्बिटल खाली हो गए, ये खाली ऑर्बिटल मैंने इधर ले लिया, टोटल 6 ऐड करें, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, कौन कौन से 6 हो गए, 3D की 2 हुई जो खाली हुई थी, एक S की और 3, 4P ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा जाएगा, D2, क्योंकि पहले वाले D आई है, D2SP, टू ऑर्बिटल D की गई है, एक S की गई है और P की 3 गई है, पहले D की ऑर्बिटल गई है, इसलिए D2SP3। अगर बाद वाली जाती, अभी जो अगला एग्जाम्पल आएगा उसमें बाद वाली जाएगी, अगर बाद वाली जाती तो हम SP3D2 लिखते उसको, अभी इसको D2SP3 लिखेंगे, ये बात समझ में आई बेटा। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुकी हैं, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, दो एक एक एरो लगा दो, ये एरो हमने क्यों लगाया, टू प्लेस NH3, सब में NH3 ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और D2SP3 की शेप क्या आती है, दैट इज ऑक्टाहीड्रल, इसकी शेप आएगी ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इट इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सो इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक नाम और ऐड करेंगे, क्या नाम ऐड करेंगे, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूटिलाइज होंगे, सो इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। शेप में से यहाँ बना देते हैं, कोबाल्ट में 6 एनएच3 है, CO को सेंटर में रखा, ये 4 बॉन्ड्स लगाए, और ये 5th बॉन्ड और ये 6th बॉन्ड, ये शेप है, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तभी ये स्ट्रक्चर बनाया है, NH3 और पूरा ब्रैकेट में लेकर, क्योंकि चार्ज में इंडिकेट करना जरूरी है, ठीक है। इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमसे 2 नंबर में पूछनी जाएगी, जो मैंने वर्बली बोला है वो तुम्हें सेंटेंस में लिखना है, ठीक है, ये बात समझ में आई, नोट्स में है पूरा कंप्लीट, उसके साथ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स के जो नोट्स हैं, नोट्स में ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स हमें और पढ़ना है, एक तुम्हारे सिलेबस का और है, और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में एक वीक लिगेंड के साथ दिया हुआ है, इट इज विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो वीक लिगेंड के साथ दिया, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ नीचे बना के स्ट्रक्चर, क्योंकि ऊपर तुम एक एक्चुअल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। देखो ये स्ट्रक्चर है CO F6 3 negative, देखो लास्ट स्ट्रक्चर ये CO F6 3 negative, समझ में आई ये चीज, 6 फ्लोरिन लगे हुए हैं कोबाल्ट के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 ही लिगेंड अटैच होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगी, जैसे हमने वहां पे निकाले थे ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, एक साइड में हमारे पास आएगा माइनस का 6, दूसरी तरफ हमारे पास आएगा माइनस का 3, ये माइनस का 6 दूसरी तरफ जाके प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर। नाम क्या लिखा जाएगा इसका, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टे, यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा, हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टे फर। मैडम इनका लेक्चर हो गया, शशि मैडम बोल रहे हैं कोई 4 नंबर ले रहे हैं। ओके हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टे फर, समझ में आया था। अच्छा अब इसके बाद आते हैं, देखो कोबाल्ट का सेम स्ट्रक्चर लिखना है जो वहां पे लिखा था हमने, अब अगर मैं ये वाला पार्ट छोड़ दूं यहां तक का, यहां से मैं कंटिन्यू करती हूं क्योंकि ऊपर वाला सेम है, बिल्कुल कोबाल्ट का वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि यहीं से चेंज आ गया, तो मैं ऑर्बिटल पिक्चर से
स्टार्ट करते हैं, प्रोबायोटिक प्लस 3 से, यदि प्रोबायोटिक प्लस 3 का क्या स्ट्रक्चर आया हुआ था, बी डी ऑर्बिटल 3, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी को मैंने लिख के छोड़ा था कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो बनाएंगे और नहीं रिक्वायरमेंट हो तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, यह मैंने लिख के छोड़ दिया था। इसमें अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे, कंफिग्रेशन में 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था और डी को बना ही देते क्योंकि यहाँ तो जरूर पढ़ने वाली है, वीक लिगेंड है तो डी की बना देते, ये डी और जितनी जरूरत होगी उतनी हम यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान, फ्लोरीन में 6 लगाने हैं, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है और फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है, कई बार बता देता हूँ, क्लोरीन फ्लोरीन वीक लिगेंड है क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप कंपाउंड में बिल्कुल नहीं चलती है, सबसे पीछे रह रहा है, एकोमोडेट नहीं कर पाते और एकोमोडेट कर लेते हैं तो पेयरिंग नहीं कर पाते, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, वीक लिगेंड इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इसके बराबर एनर्जी नहीं दे पाएगा, तो इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ते हुए अब 6 ऑर्बिटल हमें एम्प्टी चाहिए, कौन कौन सी ऑर्बिटल हो गई, ये एस हुई, ये पी टी 3 हुई, हमारे पास 4 हुई टोटल एम्प्टी ऑर्बिटल, 2 और चाहिए तो 2 डी की लेंगे, 1 एंड 2, बाकी की जो ऑर्बिटल है वो नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, हमें सिर्फ कितना पार्ट चाहिए, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की रिक्वायरमेंट 6 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर लेंगे, ये बात समझ में आ गई। ये कौन कौन सी ऑर्बिटल है, ये अपनी 4 एस ऑर्बिटल है, ये 4 पी ऑर्बिटल है और ये 4 डी ऑर्बिटल, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कराना है, यहाँ पे एकोमोडेट कराने से पहले हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी की ऑर्बिटल नहीं बनेंगी तब तक हम सेम लिगेंड उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास तो बराबर एनर्जी, 6 के 6 प्रोटॉन के पास बराबर एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी को पहले इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर की तरफ उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो सबसे अंदर की तरफ उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो पहले ये इक्विवेलेंट एनर्जी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने पर हमारे पास ये 6 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, बस यही से अपना कंसर्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, हमें क्या लगाना है यहाँ पे, फ्लोरीन, हर जगह फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड और ये फ्लोरीन भी माइनस, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय इसको माइनस में रखा है, तो माइनस की स्टेट बताएंगे कि एफ नेगेटिव ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अपना क्या आया है, sp3d2, ठीक है, ये ऑर्बिटल एज सच रहेंगे मुझे, विदाउट एनी चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4 और ये भी अपनी जगह रहेंगे, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों अपनी जगह बनी हुई, छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी ऑर्बिटल, जो कि प्लेस से जितने की एनर्जी है वो वहीं पे रुकी रहेगी। अब ये बन गया अपना COF6 का कॉम्प्लेक्स, sp3d2, शेप क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल, जो पहले शेप आई थी वही शेप आएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब d में इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखो, पेयर्ड है अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली करंट, क्योंकि मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 5 से 1 कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज स्ट्रॉन्गली करंट मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चर इधर बना लेते हैं उसका, CO 4 बॉन्ड्स विद फ्लोरीन, 5, 6, F, M, F, ये इसका ऑर्बिटल है, एंड दिस इज चार्ज कितना था, 3 नेगेटिव, ठीक है। अब एक और चीज बाकी, इट इज
inner orbital complex or outer orbital complex? It is outer orbital complex. क्योंकि inner d को तुमने लिया ही है, inner d तो अपनी जगह रखी हुई है, ये अपनी 3d थी, 3d इसको हमने utilize नहीं किया बाउंड कंडीशन, so it is outer orbital complex. देखो अब स्ट्रक्चर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं. स्ट्रक्चर्स के इन स्ट्रक्चर्स के अलावा दो स्ट्रक्चर और क्वेश्चन में पीछे दिए हुए हैं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे वो दो स्ट्रक्चर्स और हो जाएंगे. अभी कल जो हमें करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. तो कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, उसके बाद चैप्टर अपना खत्म है, चैप्टर 9. ठीक है.